मित्रों, देवों के देव यानी कि महादेव के तीन आंखें हैं, ये तो हम सभी जानते हैं और यही वजह है कि भगवान शिव को त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महादेव अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें इस सृष्टि का विनाश करना होता है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की ये तीसरी आंख कैसे और उन्हें कब मिली? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव हिमालय पर्वत पर देवता, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों के साथ एक सभा में व्यस्त थे। उधर जब काफी देर तक माता पार्वती को महादेव नहीं दिखाई दिए तो वे भी हिमालय पर्वत पहुंच गईं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने स्वामी अर्थात महादेव को एक सभा में बैठा हुआ देखा तो उनके मन में मजाक करने का विचार आया। फिर क्या था, वो चुपके से महादेव के पीछे गईं और अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। मित्रों, यहां आपको बता दूं कि पुराणों में महादेव के एक आंख को सूर्य तो दूसरी आंख को चंद्रमा बताया गया है, जिसकी वजह से जब माता पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया और जीव जंतु छटपटाने लगे। तीनों लोगों की ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव विचलित हो गए और उन्होंने अपने माथे के मध्य से एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जिसके बाद पूरी सृष्टि में उजाला हुआ। उधर जब माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो शिव जी के आंखों से अपने दोनों हाथ हटा ली और बोली, स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझकर आपकी आंखें बंद नहीं की थीं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसी गलती भला क्यों करती, कृपा कर मुझे क्षमा कर दें। माता पार्वती की बातें सुनकर शिव जी ने माफ कर दिया। फिर भगवान शिव ने अपने दोनों आंखों के खुलते उस ज्योति पुंज को तीसरी आंख बना दिया। उसी दिन से भगवान शिव के तीन नेत्र हो गए और वे त्रिलोचन के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद से भोलेनाथ हमेशा अपनी तीसरी आंख को बंद करके रखते हैं, क्योंकि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो फिर विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ ने जब जब अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। पौराणिक कथा की माने तो एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया। इस हवन में उन्होंने भोलेनाथ और माता सती को न्योता नहीं भेजा, फिर भी माता सती वहां पहुंच गई। हवन के दौरान वहां देवों के देव महादेव का अपमान किया गया। तब पति का अपमान होता देख माता सती उसे सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं बदलते समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में एक बार फिर से जन्म हुआ। उस वक्त भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सती ने पार्वती के रूप में एक बार फिर से जन्म ले लिया है। सभी देवी देवता भी भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन करवाना चाहते थे, लेकिन लगातार उनके सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। अंत में हार मानकर देवताओं ने भगवान कामदेव की मदद ली। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ लगी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली फिर कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया जो सीधे भोलेनाथ के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया, जिसके बाद महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद देवताओं को इस बात की संतुष्टि तो थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वहीं अपने पति कामदेव की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी ने शंकर जी से गुहार लगाई कि उनके पति को फिर से जीवित कर दिया जाए। तब शिव जी ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। मित्रों, माना जाता है कि शिव जी की तीसरी आंख से कुछ भी नहीं बच सकता। उनकी तीसरी आंख तब तक बंद रहती है जब तक उनका मन शांत रहता है, लेकिन जब उनको क्रोध आता है तब उनके इस नेत्र की अग्नि से कोई नहीं बच पाता है। बता दें, शिव जी की तीनों आंखों में अलग अलग गुण रहते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिवजी के मस्तक पर दोनों भौहों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की तीन आंखें होती हैं। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं,
वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक के मध्य में होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा कि कैसे शिव को तीसरी आंख मिली। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।